खबर उजियारपुर से। महावीर पौददार भाकपा माले उजियारपुर प्रखंड सचिव महावीर पौददार के नेतृत्व में भगवानपुर देसवा रेलवे स्टेशन के 34 नंबर रेलवे गुमती के दोनों तरफ बने पीसीसी सड़क पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। गुमती से भगवानपुर देसवा गांव की ओर जाने वाली सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। जगह जगह छोटे और बड़े 1 से 2 फीट गहरे खड्डे बन चुके हैं, जिसमें पानी भरे रहने के कारण यात्रियों को पता नहीं चल रहा है कि दुर्घटना हो सकती है। इस मुख्य सड़क से गुजरने वाले दर्जनों छोटे बड़े वाहन, साइकिल, मोटरसाइकिल और पैदल यात्री दुर्घटना के शिकार ही नहीं हो रहे बल्कि जख्मी होने को मजबूर है। छोटे बड़े वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। उन्होंने मंडल रेल प्रबंधक समस्तीपुर से मांग की है कि अविलंब इस सड़क का बेहतर तरीके से मरम्मत कराएं और घटिया निर्माण करने वाले ठेकेदार पर कानूनी कार्यवाही करें। भाकपा माले ने ऐलान किया है कि 9 अगस्त 2021 को भगवानपुर देसवा रेलवे स्टेशन पर उपरोक्त मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। स्टेशन अधीक्षक को मांगों का ज्ञापन अग्रेतर कार्यवाही के लिए सौंपा गया। ग्रामीणों में प्रेनेंस फुलेंद्र प्रसाद सिंह, शाखा सचिव राम कृपाल राय, नंद किशोर राय, राम नारायण राय, गणेश राय, गनौर राय, चेतन राय, हरमेरा राम, प्रवीण राय, चंदन कुमार, कुंदन कुमार, सीता देवी, वीणा देवी, अरविंद कुमार राय, मंटून कुमार सहित दर्जनों लोगों ने भाग लिया। चल रहा है, बोलते हैं, बोले। अभी तमाम ग्रामीणों ने उजियारपुर प्रखंड के अंतर्गत भगवानपुर देसवा 34 नंबर रेलवे गुमती से पूरब पश्चिम साइड जो जाने वाली सड़क है देसवा गांव की ओर, वो सड़क पूरी तौर पर जर्जर है। ये 3-4 साल पहले रेलवे के ठेकेदारों के द्वारा ये सड़क बनाई गई और सड़क पूरी तौर पर ध्वस्त है, चलने लायक नहीं है। और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे 1.5 से 2 फीट सड़क पर गड्ढा हो चुका है, कई लोग गिर चुके हैं साइकिल मोटरसाइकिल से, कई लोग जख्मी हो चुके हैं और अभी तक न रेल प्रशासन और न ही ठेकेदार इसको देख रेख करने के लिए नहीं आई है। और 9 अगस्त को देसवा स्टेशन पर देसवा पंचायत और अगल बगल के सैकड़ों ग्रामीण इस सड़क को मरम्मती करने के लिए और दोषी ठेकेदारों पर ठोस कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर के 9 अगस्त को सोमवार को देसवा स्टेशन पर धरना दे करके हम प्रशासन को चेतावनी देने का काम करेंगे। हम महावीर पौददार